एक्सट्रैक्शन टू मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था या फिर टीजर रिलीज हुआ था, वो मुझे देखो इतना पसंद नहीं आया था। और मुझे लगा कि यार ये जो मूवी आ रही है एक्सट्रैक्शन टू, वो सिर्फ और सिर्फ जो इसके मेकर्स हैं एक्सट्रैक्शन वन के, तो वो बस एक तरीके से ऑडियंस का फ़ायदा उठा रहे हैं जिनको पसंद आई थी एक्सट्रैक्शन वन, भाई ये मूवी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो आपको शायद ये सेकेंड मूवी भी पसंद आए, तो उनकी उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाकर एक्सट्रैक्शन टू लेकर आ रहे हैं। ये मुझे फीलिंग आ रही थी जब मैंने इसका टीजर या ट्रेलर देखा था। अब देखो टीजर या ट्रेलर में जो ना पसंद आने की चीज़ें थी, क्योंकि एक तो उसमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था, ज़्यादा डिटेलिंग थी नहीं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं आया था। तो मेरा कोई मन नहीं था इस मूवी को देखने का, बस किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया यार एक्सट्रैक्शन टू देख ले, काफ़ी अच्छी मूवी है, तो मुझे लगा कि यार एक बार देखनी चाहिए, इसलिए मैंने उस मूवी को देखना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 2 घंटे के आसपास ये मूवी है, और मूवी ने कितना चेंज डाला कि भी वो मूवी पसंद आई कि नहीं आई, या फिर मेरी फीलिंग कितनी ज़्यादा चेंज हुई, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो यार मैं सच कहूँ एकदम टोटली डिफरेंट एक जो मेरी सोच थी वो एकदम हो जाती है। अब यहाँ पर जो मूवी का ट्रेलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। अब इतना अच्छे से इसके अंदर काम किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे बोलने को। अब देखो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो टायलर जो है उसकी स्टार्टिंग वहीं से दिखाई जाती है, मतलब जहाँ आपने देखा था बांग्लादेश के अंदर जो उसका लास्ट मिशन था, तो उस लास्ट मिशन में जहाँ पर वो पानी में गिरता है तो उसको जब बचाया जाता है, उसका सर्वाइव जो वहाँ पर दिखाया गया वो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में स्टोरी डेवलप की जाती है, बहुत अच्छी डेवलप की जाती है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर खाना पूर्ति कर दी गई है कि भाई बस आगे कहानी आगे बढ़ानी है, टायलर को बचाना है और ताकि उसको नया मिशन दे सकें और कहानी आगे चल सके, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर टाइम दिया गया कि भाई ये इंसान है, ये गिरता है तो चोट लगती है तो ठीक होने में टाइम लगता है, वो प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई और वो बहुत आपको एक तरीके से कन्विंस कर देंगे कि हाँ वाकई में मूवी में बहुत वर्क किया गया उसके ऊपर, एक तो ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद जो टायलर के अपोजिट में जो भी डायरेक्ट दिखाए मतलब कि कास्ट दिखाया गया है कि यहाँ पर ये विलन होने वाले हैं, ये दुश्मन होने वाले हैं, उनकी भी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी दिखाई जाती है कि भाई ये कितने ज़्यादा खूंखार है, वो भी मैं कहूँगा कि कोई खाना पूर्ति नहीं की गई है, उसको भी प्रॉपर टाइम दिया गया है, वहाँ पर भी एक अच्छी खासी स्टोरी डेवलप की गई है, आप उसको भी लेकर कन्विंस हो पाएंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब टायलर को जाके कुछ लोगों को बचाना है कि या बचाना है, कुछ लोग फंस गए हैं कहीं जगह बंद है, उनको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के जब वहाँ पर जाता है उन लोगों से, तो देखिए यार एक तरीके से सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी, धड़कनें बढ़ जाएगी, क्योंकि यार वो खूंखार हैं वाकई में, उन चीज़ों को दिखाया गया बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पर चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं कि भाई ये इंसान यहाँ पर बचाया कैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाया गया, प्रॉब्लम ऐसी कि यार इतनी बढ़िया फाइटिंग सीक्वेंस, मैं कब से आने चाह रहा था इस चीज़ के ऊपर, 20 मिनट का जो आप या 20 या 21 मिनट का जो चीज़ आप देखेंगे फाइट जो आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में जो आप फाइट करेंगे, खासकर उसी की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी आंखें मतलब पलक झपकने का आपका मन नहीं करेंगे कि यार कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस ना हो जाए, इतने बढ़िया तरीके से फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए। आपने टीजर में देखा होगा कि जो टायलर है वो एक शील्ड लेके खड़ा है, उसके ऊपर एक आग की बोतल आके गिरती है, वो वाला सीन आप मूवी के अंदर देखिए, बहुत उम्दा लेवल का है, बहुत ज़बरदस्त है, वो जैसे ही वहाँ जाता है। और यार आप जॉन विक आपने लास्ट देखी होगी, जॉन विक 4 देखी होगी, मैं कहूँगा कि जो आपको फर्स्ट हाफ की जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो जॉन विक को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है, इतनी ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, आप कहेंगे यार तो यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा नहीं है, आपको एक बार खुद ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अच्छे से रखी गई हैं, उनको दिखाया गया है। और सबसे ज़्यादा जो आपको इस मूवी में पसंद आने वाला है वो इसका कैमरा वर्क है, यार क्या ज़बरदस्त कैमरा वर्क है, मतलब कितना आप देखेंगे 21 मिनट या 20 मिनट की जो फाइटें आप देखेंगे आपको लगेगा नहीं यार यहाँ पर कोई कट है, इतना स्मूथ चीज़ें जो चल रही हैं, मैं हैरान हो गया वो चीज़ देख के। लास्ट का भी जो आप देखेंगे फाइटिंग सीक्वेंस सेकंड हाफ में आप देखेंगे, वहाँ पे जो एक शीशे के ऊपर आता है, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं वहाँ पर रेफर कर रहा हूँ कि कितना वो बढ़िया है, मुझे वो बहुत ज़्यादा लगा, मतलब धड़कने रुकने का नाम ले गई थी कि यार कितना ज़बरदस्त सीन इन्होंने क्रिएट किया, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, आप चेहरे से बता सकते हैं कितनी ज़्यादा मुझे मूवी पसंद आई, कोई भी एक तरीके से उम्मीद नहीं थी। देखो इतनी मैं मुझे कोई मूवी इतना ज़्यादा प्रभावित करे बहुत रेयर होता है, खासकर तब जब उसका ट्रेलर या फिर जो टीज़र है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, ऑब्वियसली उसने नेगेटिव हिट किया था स्टार्टिंग के अंदर, तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, तो एक नेगेटिव अप्रोच के साथ इस मूवी को देखने बैठा था। बावजूद इसके इस मूवी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, 2 घंटे के आसपास जो मूवी है वो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी। देखो थोर भैया के साथ जो एक फीमेल करेक्टर है, फीमेल एक्टर जो है, करेक्टर बोल रहा हूँ, एक्टर जो है गोल्गी फतेह उनका नाम है, आ भी रहा होगा आप साइड में देखेंगे क्योंकि प्रोनंसिएशन में या फिर उनका नाम याद करने मुझे काफ़ी टाइम लगा, मुझे लगा कि नहीं हो रहा, लिख ही देंगे,
इनका जो परफॉर्मेंस है ट्रेन के अंदर एक सीन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है मुझे, इतनी बढ़िया फाइटिंग उनके, या फिर कहेंगे ओवरऑल पूरी मूवी के अंदर इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। टायलर भैया तो यानी थोर भैया तो कमाल के ही हैं अपने, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। और देखो नेगेटिव के अंदर मैं बात करूँ तो यही है कि फर्स्ट जो हाफ है वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा, उससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेंगे जैसे मैंने लगा ली। वैसे तो मैं स्टार्टिंग में तो कोई उम्मीद लगा के बैठा नहीं था, लेकिन फर्स्ट हाफ देखने के बाद मुझे इसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होगी। सेकेंड हाफ में जाते हैं तो वो उम्मीदें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लगता है कि यार यहाँ ये थोड़ी कमी है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। बाकी ओवरऑल मूवी तो बहुत ज़्यादा बिंदास जाती है, आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। मेरी तरफ से देखो इसको 7.5/10 में स्टार देना चाहूँगा। आप लोगों ने मूवी कैसी देखी है, कैसी लगी है तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो एक बार तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। एक बार ट्राई करने के बाद मैंने देखो जब इसका फर्स्ट हाफ वाला फाइटिंग सीक्वेंस या फाइटिंग सीन जो मैंने देखे थे उसको मैंने कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करके देखा, इतना मुझे वो पसंद आया है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, इमोशनल एंगल भी इसमें दिखाए जाते हैं वो भी अच्छे हैं, मतलब हाँ उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। कैमरा वर्क इसका बहुत बढ़िया है, स्टोरी मतलब फिर से बोल रहा हूँ स्टोरी बहुत बढ़िया है, हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है। तो ओवरऑल मूवी आप एक बार तो ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोगों ने देखे तो एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार क्या लिख ही सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, कितनी बार भी लिख सकते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी। नहीं देखी तो मैं फिर से कहूँगा एक बार तो आप इसको ट्राई करिए। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।